और भाई लोग, क्या हालचाल? एकदम बढ़िया। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर बीटा वर्जन हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है और उसका अपडेट भी कल आ चुका है। तो यहाँ पर कुछ न्यू चेंजेस हुए हैं, एक न्यू अचीवमेंट भी ऐड हुआ है, उसी के साथ थर्ड एनिवर्सरी का आपको एक न्यू टाइटल भी देखने को मिलने वाला है। तो मैं पूरा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और उसी के साथ यहाँ पर पूरा बात करेंगे कि क्या क्या न्यू फीचर आए हैं। और उसी के साथ, अगर आपने वीकली रॉयल पास गिवे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो जाओ जल्दी से करो, अब क्योंकि अभी 2 दिन बाद, मतलब ट्यूजडे को, मंगलवार को हम उसका रिजल्ट निकालने वाले हैं। बस एक ही दिन बचा है कल का, बस उसके बाद अपन रिजल्ट निकालेंगे। तो जाओ पार्टिसिपेट करो भाई। वीकली गिवे में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत आसान है, यहाँ पर आपको सर्च करना है क्रिएटिव पवन गिवे, और यहाँ पर जो भी पहला ही आएगा या सेकंड आएगा, देख सकते हैं, पहला ही आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर सीजन 17 वीक 7 का आरपी गिवे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आना है, पढ़ना है, आपकी मर्जी है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैंने दिया भी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पार्टिसिपेट इन गिवे, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा ये यहाँ पर आपको लेकर आएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सिंपल, और यहाँ पर पार्टिसिपेट करना, बहुत ही कम बंदों ने इस बार पार्टिसिपेट किया है, क्या पता भाई किसका भी नाम लग सकता है। तो जाओ यार जल्दी से यहाँ पर पार्टिसिपेट कर लो। सबसे पहले तो यार यहाँ पर हम फीचर्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, नए नए चेंजेस आपको दिख रहा ही होगा। यहाँ पर जो एक देख सकते हैं राइट हैंड साइड में आपको 26 नंबर का नोटिफिकेशन बार आपको दिख रहा होगा, तो ये नया फीचर ऐड कर दिया है पबजी वालों ने थर्ड एनिवर्सरी का अपडेट में, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी आपको नोटिफिकेशन आया तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको तुरंत ये नोटिफिकेशन बार ओपन हो जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे नोटिफिकेशन और मैसेजेस और क्या 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 आपको देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हैं इस तरह से, और कुछ भी आपको नया कुछ इवेंट या नोटिफिकेशन, मतलब जो भी आपका डेली मिशन किशन कुछ तो आया ना नोटिफिकेशन, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया किया है पबजी वालों ने। तो नोटिफिकेशन बार, जैसे कि किसी ने आपको मैसेज किया मेरे ख्याल से, तो उसका नोटिफिकेशन इधर आएगा। जैसे हमारे फ्रेंड यहाँ पर मैसेज करते रहते हैं, जो भी रहता है बंदा, तो बात करने के लिए, तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन यहाँ पर आ सकता है, तो देख सकते हैं ये वाला। और उसी के साथ एक और भी अच्छा यहाँ पर एक दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर हमने गन का यहाँ पर कोई भी इक्विप किया है, चलो ठीक है, कोई भी गन हमने यहाँ पर इक्विप किया है, अगर दूसरा सेलेक्ट करते हैं तो वो देख सकते हैं ये गायब हो जाता है। और उसी के साथ यहाँ पर, अरे रुक जा बाबा, और देख सकते हैं बैकपैक इक्विप किया है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको जादू। तो यहाँ पर ना मिली वेपन में चलते हैं, मिली वेपन में अगर आपने पैन सेलेक्ट किया है तो देख सकते हैं यहाँ पर पैन हाथ में आया है और गन पीछे गया है, जादू। तो यहाँ पर मतलब नया सिस्टम ऐड कर दिया है, अगर आप मिली वेपन के साथ ही ऐसा होगा, मिली वेपन और एक गन का स्किन आपको, मतलब गन देखने को मिल जाता है, तो जैसे कि देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पैन, उसी के साथ मचेटे या जो भी, मतलब जितने भी है, मचेटे हुआ, क्रोबार हुआ, स्टिकल हुआ, जो भी आप लेना चाहते हैं हाथ में ले सकते हैं, और पैन लेना चाहते हैं पैन ले सकते हैं। और लेकिन अभी आप बोलोगे भाई दूसरा गन का स्किन अगर लेते हैं, जैसे कि देख सकते हैं स्कारियल, तो वो जो एके का स्किन है वो गायब हो जाता है, और पैन का स्किन हमारे पिछवाड़े में लग जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बनाया गया है, तो भाई ये तो सही सिस्टम बना दिया है, मतलब पैन भी आप यहाँ पर लॉबी में रख सकते हैं, अगर आपको दिखाना है अपने फ्रेंड को तो देख सकते हैं इस तरह से। तो ये एक कुछ नया चीज़ ऐड कर दिया है, और उसी के साथ यहाँ पर चीयर पार्क में भी आपको थर्ड एनिवर्सरी का देखने को मिलने वाला है। तो देख सकते हैं भाई लोग, यार यहाँ पर हम चेयर पार्क में आ चुके हैं, और यहाँ पर चेयर पार्क में भी आपको थर्ड एनिवर्सरी का पूरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मज़ा लेने को मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। बहुत सारी पब्लिक यहाँ पर आ चुकी है, बीटा वर्जन खेल रहे हैं अभी, तो अगर आपको भी खेलना है तो डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो जाकर आप भी खेल सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से पूरा जो मोड आने वाला है ना, सेम टू सेम थर्ड एनिवर्सरी का यहाँ पर चेयर पार्क में भी दिया है, मतलब जहाँ पर जाकर आप बहुत ही बढ़िया से एकदम खेल सकते हैं, यहाँ से उड़ सकते हैं एकदम बहुत ही बढ़िया, जैसे सेकंड एनिवर्सरी में आपको देखने को मिला था, सेम टू सेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि आप ऊपर से भी देख सकते हैं चेयर पार्क। ज़्यादा कुछ चेंजेस किया नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो थर्ड एनिवर्सरी का सेट है वो यहाँ पर ऐड कर दिया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो भाई पबजी वाले कुछ भी कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर, बाकी तो पुराना ही चेयर पार्क है, और कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। और बाकी यार अगर आपको खेलना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, डाउनलोड करके खेल सकते हैं। और यहीं पर सेम सेम जो रैंकिंग सिस्टम भी है वो भी आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप कुछ मतलब खेल के या पॉइंट ज़्यादा करके भी आप यहाँ पर अपना रैंक बढ़ा सकते हैं, और पार्टी पे ही यहाँ पर रियलिटी पे अपना नाम लेकर आ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर चेयर पार्क में सब कुछ आपको ये देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। तो पूरा यार आने के बाद तो भाई गजब होने वाला है थर्ड एनिवर्सरी, जो कि आप दूर से भी देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा एकदम भाई खतरनाक लुक दिखता है यार।
तो ये बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। तो चेयर पार्क में भी राडा करेंगे बहुत ही जल्दी। तो बस ये था चेयर पार्क का। और अभी और फीचर्स की बात कर लेते हैं जो कि आपको देखने को मिलने वाला है पबजी थर्ड एनिवर्सरी में। और उसी के साथ एक अचीवमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अचीवमेंट में भी कुछ नए चेंजेस किए गए, जैसे कि देख सकते हैं राइडिंग मार्क्समैन मेरे ख्याल से नया अचीवमेंट है, जहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है डिफीट 10 प्लेयर्स विद वेपन व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन अ व्हीकल मूविंग एट 30 किलोमीटर पर आवर और फास्टर। तो मतलब आपको गाड़ी पे सवार होना है, गाड़ी में बैठे हुए अगर आप बंदा हो तो 10 बंदे को डीपीट बोले तो लगभग मेरे को 10 बंदे को मारना पड़ेगा। गाड़ी और उसका गाड़ी का स्पीड ना 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे हम कार फाइट लेते हैं तो सेम चीज़ होगी मेरे ख्याल से। तो बस आपको आने के बाद इसे कंप्लीट करना है, और नहीं भी किया तो मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली कंप्लीट होगा, क्योंकि कार फाइट तो भाई अपन बहुत लेते हैं क्लासिक मैचेस में। तो इस तरह से कार फाइट फाइट में ही आपको बंदों को मारना है 10 बंदों को मेरे, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माउंटेन हीरो, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि भाई जो कार्किन मैप आने वाला है उसमें आपको ये 3 फिर 10 और 20 50 चिकन डिनर करना है, तभी आपका ये अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और उसी के साथ दूसरा जो एक है मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो मिथिक फैशन वाला जो आपने देखा ही होगा, यहाँ पर किधर गए रे, मिथिक फैशन इधर है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मिथिक फैशन में भाई यहाँ पर 300 मिथिक आउटफिट होने चाहिए। अरे का ये का हलवा लावला का, अरे भाई इधर 50 होने में लगी पड़ी है और इन्होंने 300 का अचीवमेंट दिया है। वाह वाह, मेरे ख्याल से मैंने पिछले बार ये एक्सप्लेन किया था तो यहाँ पर 200 आउटफिट था लगता है मेरे ख्याल से, अभी इन्होंने 300 किया। वाह भाई इनका तरह लग खटखट था। और इसके बदले में क्या मिलेगा आपको, मिथिक फैशन नेम टैग मिलेगा, नेम टैग जो कि नॉर्मली अपने नाम के सामने लग जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर नेम टैग, अरे तेरी तो ओपन हो जा, किधर गया रे, चेंजेस। तो एडिट के ऊपर आना है और यहाँ पर देख सकते हैं नेम टैग, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कॉन्करर का, क्राउन का और एस का, अलग अलग आपको टैग देखने को मिल जाते हैं, नेम टैग, जो कि लॉबी में अगर आप अपने फ्रेंड के साथ हैं तो आपके नाम के वहाँ पर नेम टैग लग जाता है। तो इस तरह से आपको वो देखने को मिलने वाला है। तो क्या करे यार, ये क्या कर रहा है पबजी वाला, पता नहीं मिथिक फैशन के नाम पे लूट रहा है अपने को। और बाकी का तो यहाँ पर जो पुरानी है और यहाँ पर और एक न्यू अचीवमेंट जो कि आप देख सकते हैं रिदम हीरो नाम से ऐड हुआ है, प्ले द नोट सिल्सर मोड वन टाइम, प्ले द टेक्नो लॉन्चर वन टाइम। तो ये सब कुछ ना आपको जो रिदम, मेरे ख्याल से रिदम मोड आने वाला है ना, रिदम क्या है जो भी है, तो उसके अंदर से ही आपका ये अचीवमेंट कंप्लीट होगा। हर बार आता है, जैसे रून वॉरियर का भी आप देख सकते हैं कि आपको ये पिकअप 10 रून क्रिस्टल और ये अभी जो अपना रून पावर मोड चल रहा है उसी का है। तो वैसे ही थर्ड एनिवर्सरी में जो मोड आने वाला है रिदम मोड बोल सकते हैं आप, तो वही उसी में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ लीक आया हुआ है तो उसके बारे में, और थर्ड एनिवर्सरी का टाइटल कैसे मिलेगा उसके बारे में। तो केक का सिंबल दिया है तो आप समझ ही चुके होंगे, थर्ड एनिवर्सरी में केक खाने का कुछ अलग अलग से आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं भी ये जो टाइटल है आपको केक के साइज वाला, तो इसका ना आपको लगभग मेरे ख्याल से ये कुछ 30 डेज के लिए भी मिल सकता है, मुझे लग रहा है ये टेम्प्रेरी मिल सकता है। तो देखते हैं आने के बाद, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। उसके बाद जो सेकंड है रिदम हीरो, ये परमानेंट टाइटल होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि इसके ऊपर 3 भी लिखा हुआ है। टुगेदर वी प्ले नाम से आपको सेकंड एनिवर्सरी पे परमानेंट टाइटल मिला था, आप सभी को याद ही होगा, और वो फ्री में मिला था। तो ऐसा ही आपको रिदम हीरो नाम, मतलब जो थर्ड एनिवर्सरी का मोड आने वाला है वो रिदम नाम से ही आने वाला है। तो रिदम हीरो मतलब भाई वहाँ के हीरो का टाइटल, मतलब वो आपको देखने को मिलने वाला है। तो देखते हैं भाई, यहाँ पर दिया भी है कि प्ले 100 रिदम्स एंड बी द लास्ट वन स्टैंडिंग, मतलब भाई मेरे ख्याल से क्या यहाँ पर 100 बार अपने को जीतना है क्या मैचेस, यहाँ पर इसका मतलब कुछ वैसे ही दिख रहा है, प्ले 100 रिदम्स एंड बी द लास्ट वन स्टैंडिंग, लास्ट वन स्टैंडिंग मतलब #1, मतलब भाई लग तो वैसे ही रहा है जो जो मैचेस मेरे ख्याल से 100 टाइम जीतेगा या खेलेगा उन दोनों में से ही ऑप्शन है। मेरे को भाई अंग्रेजी अच्छी नहीं आती, आप कमेंट करके बताना जीतना पड़ेगा कि खेलना पड़ेगा। तो देख सकते हैं ये वाला आपको टाइटल देखने को मिल जाएगा। तो ये थर्ड एनिवर्सरी का टाइटल है रिदम हीरो, जैसे कि टुगेदर वी प्ले आपको देखने को मिला था सेकंड एनिवर्सरी पे, तो सेम। और उसी के साथ कुछ ये मेट्रो रॉयल का भी टाइटल आपको देखने को मिल जाएगा, जो नया मेट्रो का सिस्टम आने वाला है जो कि अभी भी बीटा वर्जन में आपको देखने को मिल रहा है। और एक द ब्लड रेवन कॉमेट नाम का भी कुछ यहाँ पर आपको देख सकते हैं टाइटल, या हाँ टाइटल ही हो सकता है ये भी, मेक अ ब्लड ओथ एंड फाइट
अलॉन्ग साइड वन अनदर, तो ये अलग से कुछ आएगा, इवेंट आ सकता है मे बी। और उसी के साथ यहाँ पर कुछ पॉपुलरिटी आपको देखने को मिल रहा है, लकी एक नाम का पॉपुलरिटी। उसके बाद यहाँ पर स्काईबीड, स्काई बीओ है का, स्काई बीड है का माइती दावते तिकड़, ये भी पॉपुलरिटी है, ये भी पॉपुलरिटी है 100 डांस वाला। और उसी के साथ तो सुपरस्टार माइक्रोफोन, ये भी पॉपुलरिटी है, कुछ इवेंट आएगा सुपरस्टार माइक्रोफोन, कुछ क्या होगा कोलेब्रेशन इन्होंने। और उसी के साथ तो गोल्ड बैंक नोट, ओ हो भाई साहब ये भी पॉपुलरिटी है, इसको अगर आप सेंड करते हो तो 800 पॉपुलरिटी मिलेगा, अगर आप एक्सचेंज भी करते हो या अपने फ्रेंड को सेंड करते हो तो इसके बोले। और ये कोई इवेंट में आएगा, आपको देखने को मिल जाएगा, और ये आप फ्री में मिल जाएगा। और उसी के साथ यहाँ पर ऑल टाइलैंड चैम्पियनशिप चैम्पियन नाम का भी यहाँ पर, मेरे ख्याल से ये टाइटल ही होगा, बट ये अपने लिए मतलब जो कंपटीशन खेलते हैं चैम्पियनशिप, तो उनके लिए होगा। और उसी के साथ चिकन पैन भी आपको एक पॉपुलरिटी है, जिसके बदले में आपको 100 पॉपुलरिटी मिल जाता है। थर्ड एनिवर्सरी एक्सक्लूसिव स्पेस गिफ्ट, ये भी फ्री में मिलेगा। और उसके बाद कुछ आपको फ्रेम्स भी देखने को मिलने वाला है नए नए, तो देख सकते हैं हम पिज्ज़ा अवतार फ्रेम, उसके बाद ये एक फ्रेम है, उसके बाद ये वाला एक स्पीड बनी फ्रेम, उसके बाद एक कार्ड मास्टर 2020 फ्रेम। और आपको कौन सा पसंद आता है फ्रेम, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जेस्टर गैंगस्टर अवतार भी आपको देखने को मिलने वाला है, ओ तेरी। उसी के साथ रेड बैटल कैट अवतार, ये लेजेंडरी बोले तो कोई ना कोई इवेंट में ज़रूर आने वाला, इवेंट नहीं बोल सकते हम इसे, कुछ लकी स्पिन या कुछ अलग स्टाइल में दे सकते हैं, पता नहीं भाई, क्योंकि ये जो लग रहा है ना इसका कुछ आउटफिट और ये जो आप देख सकते हैं, तो ये कोई ना कोई स्पिन में या तो लकी क्रेट में आएगा। उसके बाद है ब्लड रेवन फ्रेम, जो एक टाइटल बोला था आपको ब्लड रेवन वाला, वो तो कुछ तो भी मेरे ख्याल से ये इसी इवेंट के साथ ही देखने को मिल सकता है आपको। तो बस भाई लोग यार आज की इस वीडियो में यही था, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक एंड शेयर तो बनता है, और उसी के साथ जल्दी से यार 5.5 लाख करवा दो आपने थर्ड एनिवर्सरी आने तक। तो चलो भाई मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।